हे गाइस, वेलकम टू एमकेजी, एके मोबाइल का गेमर। तो गाइस, फाइनली यार आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सर्वाइवल सीरीज़। नहीं है, मैं अपनी पुरानी सर्वाइवल सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा, इसकी नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अब यार आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैंने जो वोट्स में डाला था उसमें से काफ़ी लोगों ने स्काई ब्लॉक पे चूज़ किया था, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई स्काई ब्लॉक भी खेलेंगे, मतलब हम उसमें खेलेंगे प्रोजेक्ट एरिस में, और साथ ही साथ हम सर्वाइवल भी खेलेंगे, क्योंकि भाई काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई सर्वाइवल खेलो सर्वाइवल खेलो, मेरे को डीएम्स आ रहे थे कि भाई सर्वाइवल खेलो। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट मान ली जाए और स्काई ब्लॉक भी खेलेंगे हम सर्वर पे, और साथ ही साथ सर्वाइवल भी खेलेंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करो। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ इंडियन गेमिंग और फ्लिपर गेमर्स को भाई, जिन्होंने हमारी चैनल की मेंबरशिप ली है। तो गाइस थैंक यू सो मच यार आप दोनों का हम मेरी चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। ओके गाइस, तो चलो यार अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं प्ले वाले सेक्शन में, और यहाँ पर चल के हमारी नई वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ आपके सामने, कर रहा हूँ मैं क्रिएट। तो इस वर्ल्ड का नाम क्या रखूँ मैं, ऐसे रख देता हूँ MKG सर्वाइवल। ओके, तो मैंने इसका नाम ये रख दिया, और डिफ़िकल्टी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने हार्ड मोड पे रखी है, तो सीड तो मैं कोई डालूंगा नहीं, सीधा मैं शो कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक कर देता हूँ, बाकी बस और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, और सीधा हम देख लो आप सर्वाइवल पे और हार्ड मोड पे सीधा हम चेल्स पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यार एक बार फाइनली मैं फिर से सर्वाइवल सीरीज़ खेलने वाला हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, मतलब जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं बता दूं भाई मैंने पहले भी एक सर्वाइवल सीरीज़ खेली थी जो मैंने बीच में खेलना छोड़ दी थी फॉर सम रीजंस। ओके गाइस, तो यार हमारी जो वर्ल्ड जनरेट हो चुकी है, तो हम कहाँ पर स्पॉन हुए हैं भाई, ये कौन सी जगह है यार, क्या घटिया। एक मिनट, क्या जंगल टेम्पल है, एक मिनट, अरे नहीं जंगल टेम्पल नहीं है, ऐसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, पता नहीं इसके अंदर कुछ होता है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके, तो हम ऐसे एक बायोम में स्पॉन हुए हैं जो मुझे इतनी अच्छी लगती बायोम। तो चलो आगे चलते हैं, और अगर आपको इसका सीड चाहिए होगा तो भाई आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं नीचे आपको जिसका सीड जो है दे दूंगा। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं, और एक मिनट, ये सपना तो नहीं है गाइस, सामने एक विलेज है भाई, मेरे सामने एक विलेज है। ओ भाई साहब, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, मैंने कोई सीड नहीं डाला है, ऐसा मैंने आपको बिना कट के वीडियो दिखाई है पूरी, तो मैंने कोई भी इसमें सीड नहीं डाला, और भाई देखो हमें विलेज मिल गया। और भाई सच बताऊँ तो भाई हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पिछली बार जब हमने सर्वाइवल खेला था तो भाई तब भी हमें जो विलेज था, मतलब हमारी सीड के एकदम पास ही था, और तब भी हमें मतलब हमारे स्पॉन लोकेशन के पास ही विलेज मिल गया था, और भाई यहाँ पर भी हमें अपने स्पॉन लोकेशन के पास ही एक विलेज मिल गया। तो अभी तो मैं मतलब इस विलेज में जाके सब कुछ लूटूंगा नहीं, क्योंकि भाई फिर तो थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाएगी ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक छोटा सा बेस ढूंढूंगा अपने बनाने के लिए। तो पहले देखते हैं भाई हमें कहाँ बनाना चाहिए अपना बेस, तो मैं सबसे पहले ऊपर चल लूँ। ओके, तो यहाँ पर तो भाई देखो विलेज तो भाई काफ़ी बड़ा है, तो अभी यहाँ पर तो हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कोई इस साइड माउंटेन बेस बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक माउंटेन बेस कभी नहीं बनाया है। ओके, तो ये जगह मेरे को सही लग रही है, थोड़ी परफेक्ट लग रही है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर अपना बेस बनाऊंगा। तो चलो भाई अब थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तोड़ना शुरू कर लेते हैं। फिर से मैं बता दूं कि भाई इसका जो मैप का सीड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको एंटर कर सकते हो, और भाई आप भी मेरी तरह खेल सकते हो। ओके गाइस, तो सबसे पहला हमारा माइनक्राफ्ट का बेसिक काम है ट्री तोड़ना, तो चलो भाई जल्दी से तोड़ लेते हैं सारे ट्रीज। और भाई सही में काफ़ी लकी हैं भाई, हमें इतना अच्छा सीड मिल गया भाई, इस विलेज भी मतलब विलेज के पास ही हम स्पॉन हुए हैं यार, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं विलेज के पास ही स्पॉन हुआ था। तो अभी तो विलेज से मैं कुछ लूटूंगा नहीं, क्योंकि भाई फिर वही ना चीटिंग वगैरह हो जाएगी, जब हम थोड़ा गेम में आगे बढ़ जाएंगे तब हम विलेज से लूटना शुरू करेंगे। ओ गाइस, तो मैंने 7 यहाँ पे वुड लॉक्स तोड़ लिए हैं, चलो अभी इससे बनाते हैं अपने प्लैंक्स। ओके, और मेरे को एक वो भी मिली है सैपलिंग, तो इसको हम बाद में देखेंगे, और इससे हम बना लेते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल। ओके गाइस, तो रखते हैं क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी माइनक्राफ्ट की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी बना लेते हैं। और भाई ये क्या है, रेड बे, अच्छा ये कोई ग्लिच की वजह से दिख नहीं रहे हैं शायद, हाँ ग्लिच हो गया इसलिए दिख नहीं रहे हैं सारे। ओके, तो हम जल्दी से सारी की सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लकड़ियाँ बनानी होंगी, और उससे हमें बनेंगी हमारी पिकैक्स, और फिर एक एक्स, और यहाँ से मैं एक तलवार भी बना लेता हूँ, और तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, पिकैक्स हो गई, शवल हो गई, तलवार, हाँ ठीक है हो बना लेता हूँ, चलो यार हो भी बना ही लेता हूँ, क्या करें। ओके यार, तो देखो हमने सारी बेसिक चीज़ें जो जितने भी हमारे बेसिक टूल होते हैं हमने सारे बना लिए हैं। तो चलो अब यहाँ पर जितने वुड है ना, जितने भी पेड़ वगैरह, इनको क्लियर करना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप बोर ना हो जाओ यार। ओके यार, तो मेरे हिसाब से हमारे पास फिलहाल के लिए ठीक ठाक वुड आ गई है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो हमारा बेस होगा ना वो ऐसे सीढ़ी टाइप होगा, और यहाँ पर मतलब जो हमारा मेन दरवाज़ा होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस साइड मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत बनाने की, तो जल्दी से मैं यहाँ पर जो है क्लियर कर लेता हूँ, और मुझे सीढ़ियाँ वगैरह बनानी होगी, ठीक है।
ठीक है, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल पे जाता हूँ और इससे सबसे पहले मैं वो बना लूँ अपने लिए प्लैंक्स। हो गए तो थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ मैंने बना ली, और क्या बनाना चाहिए मेरे को, थोड़ी बहुत फेंसिस भी बना लेता हूँ, सही लगेंगी। ओके तो ज़्यादा नहीं बना सकता अभी, ओके मेरे पास लकड़ियाँ नहीं है ना, ओके ठीक है अब बना सकता हूँ मैं फेंसिस। ओके तो फेंसिस भी मेरे पास ठीक ठाक आ गई हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाना शुरू कर देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा बेस जो है वो अच्छा लुक करे। ओके तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, हो सकता है मैं बाद में जो मतलब ये इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा बहुत चेंज करूँ, पर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए चिंता मत करो। ओके तो यहाँ पर सामने जो है हमारा जो मेन घर की एंट्रेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो चलो भाई जल्दी से खोदना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके तो अभी तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, ताकि मुझे अभी बाहर का भी थोड़ा और डेकोरेट करना है, और उससे पहले जो घास है ना यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इसके स्लैब्स, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ऐसे घास का मतलब सही नहीं लगता दिखने में, ठीक है। तो देखो अभी ये थोड़ा सही लग रहा है, मैं ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ नहीं बनाऊँगा इसमें। ओके तो यहाँ पर मैं साइड में क्या करता हूँ ना, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं सारी की सारी फेंसेस इस तरीके से, मतलब पूरी तरह नहीं लगाऊंगा ऊपर, मैं साइड साइड में थोड़ी बहुत लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा ओल्ड विलेज नहीं होता वैसा लुक आए, क्योंकि भाई वो लुक काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें। ओके और यहाँ साइड साइड में ना मैं इसके वो लगा दूंगा वुड के लॉग्स, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लुक करते हैं इसमें। ओके तो मेरे पास अभी तो दो ही हैं, तो कोई नहीं इसको ऐसे लगा देते हम, अरे भाई गलत लग गया। ओके तो इस तरीके से मैं लगाऊंगा वुड के लॉग्स, तो मुझे थोड़े बहुत और तोड़ने पड़ेंगे भाई, तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग फिर से बोर ना हो जाओ। ओके तो मैंने ये सारे वुड के लॉग्स इकट्ठा कर लिए, और भाई इन सब के चक्कर में मैं भूल ही गया था कि भाई मेरे को तो अपने लिए बेड भी बनाना है और खाना भी ढूंढना है, तो मैं जल्दी से वुड के लॉग्स लगा देता हूँ, फिर भाई हम अपने लिए खाना ढूंढने जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को शीप ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि शीप से मेरे को वूल मिलेगा और उससे मेरे को खाना भी मिल जाएगा, क्योंकि फर्नेस वगैरह तो मैं अभी बना लूँगा, तो मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ पहले। ओके तो इस तरीके से मैं लगाऊंगा, और भाई सही में इससे बहुत सही लुक आता है, ये ऐसे में ज़्यादा सही लग रहा है कि कैसे मैं लगाऊँ, वैसे सही बोलूँ तो मुझे दूसरे तरीके से ज़्यादा सही लग रही है, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई किस तरीके से सही लगेगा, ज़्यादा ऐसे में लगाना चाहिए मेरे को या फिर ये ऐसे में लगाना चाहिए, ठीक है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी के लिए मैं ऐसे में लगा देता हूँ, और यहाँ पर चाहूँ तो थोड़े बहुत स्लैब्स भी लगा सकता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है गाइस, ताकि मतलब एक ऐसे मतलब कोई एंट्रेंस होती है ना अमेजिंग सी, वैसा सा लुक आए, तो देखो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसे। तो चलो भाई ये तो हो गया हमारे थोड़ा बहुत घर का, अब मतलब घर में जाने के लिए, तो चलो भाई अब चलते हैं अपना जितना भी खाना वगैरह है वो ढूंढने के लिए। ओके तो चिकन है सामने, इसको मैं मार देता हूँ भाई ताकि मेरे को खाना मिल जाए। ओके फेदर और चिकन मिल गया, और यहाँ पर साइड में चलते हैं। ओ भाई यहाँ पर शीप पहले से मारी थी क्या मैंने, तो इससे देखो मेरे को फ़ायदा हो गया, मेरे को एक वूल मिल गई यार, पर मेरे को सेम ही कलर की वूल चाहिए होगी ना, चलो कोई नहीं वो हम ढूंढ लेंगे। तो शीप ढूंढता हूँ भाई, यहाँ तो कुत्ते ही कुत्ते हैं भाई, शीप यहाँ पर मेरे को पता नहीं मिलेगी या नहीं। ओके तो देखते हैं भाई कहाँ मिलती है हमें शीप। ओके तो सामने गाय है, तो उसको मैं जल्दी से मार देता हूँ भाई, शीप का मेरे को दिक्कत लग रही है, पता नहीं कब मिलेगी हमें शीप। ओके भाई मर जा गाय यहाँ से। ओके तो इसने लेदर और थोड़ा सा खाना ड्रॉप किया है, और सामने पिग है भाई, सारे के सारे एनिमल मिल गए, मेरे को शीप नहीं दिख रही, कहाँ है यार शीप। यार फर्स्ट नाइट का ये दिक्कत होती है कि भाई हमें बेड बनाने के लिए शीप चाहिए होती है भाई, और शीप मिलती नहीं आसानी से, मतलब कभी कभी मिल जाती है और कभी कभी तो भाई बहुत ही बुरा बैड लक होता है हमारा कि कभी भी हमें शीप नहीं मिलती है। ओके गाइस तो देखो सामने भाई तीन तीन शीप्स हैं, तो भाई जल्दी से इनको मार देता हूँ मैं, और भाई मेक श्योर कि यार मुझे नहीं लगता है मतलब सेम दे पाएंगी पूरा, क्योंकि अब मेरे पास दो वो हो गई, मतलब दो मेरे पास ये वाइट वूल हो गई और दो मेरे पास लाइट ग्रे वूल हो गई, तो मेरे को एक और चाहिए, चाहे वो वाइट मिल जाए चाहे लाइट ग्रे मिल जाए भाई, ताकि मेरे पास जो बेड है ना वो बन जाए। ओ भाई यार ये सीड तो मतलब सही में एकदम गॉड लेवल है यार, मतलब क्या यहाँ पर रवीन भी मिल गया यार हमें देखने को, तो देख सकते हो भाई कितना मतलब मस्त रवीन है यहाँ पे। ओ नहीं 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 ये नहीं हो सकता, सही में भाई आर यू किडिंग मी, अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं यहाँ पर तो भाई आप देख सकते हो नीचे एक अबैंडेड पोर्टल है जी, गाइस अबैंडेड नहीं रुइंड पोर्टल है भाई, यार मतलब इतना सब कुछ एक ही सीड में कैसे देखने को मिल जाता भाई, इसको मैं अपनी टॉप 5 बेस्ट सीड वाली लिस्ट में ना ज़रूर से इसको मैं डालूंगा, क्योंकि भाई ये मेरे साथ ही मतलब इतना अच्छा सीड मिला है मेरे को, और भाई सामने देख सकते हो कितना मस्त स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो, देख सकते हो कैसे वो फ्लोट कर रहा है। और भाई रात होने वाली है और मैंने अभी तक बेड नहीं बनाया यार अपना, शीप मेरे को कहीं नहीं मिल रही है भाई, कैसे सर्वाइव करूंगा मैं अपनी पहली नाइट, मतलब बेड चाहिए मेरे को, और मेरे देखो हंगर वार भी नीचे गिर रहा है, खैर उसकी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भाई शीप चाहिए होगी यार कहीं से भी। ओके यार तो यहाँ तो स्पाइडर वगैरह निकल आए हैं यार,
पता नहीं, ओ भाई नहीं 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 घर चलो घर चलो घर चलो, यहाँ पर रहना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। सामने क्रीपर भाई, सारे के सारे मॉब स्पॉन हो गए क्या भाई? नहीं नहीं यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें, जल्दी से निकलो भाई, यहाँ तो सब हमारी जान ले डालेंगे। ओके निकलो 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 यहाँ से भाई, यार रास्ते में कोई शीप ही मिल जाए यार। ओ नहीं नहीं ये क्यूब आ गया भाई, ये देखो मारने लग गया भाई। निकलो यहाँ से, मेरा हंगर बार भी नीचे गिर रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी भाई घर पहुँचना होगा अपने। ओके गाइस तो ये आ गया हमारा घर, और भाई मैं तो भूल ही गया था अभी तक तो टॉर्चेस वगैरह भी नहीं बनाई है मैंने, तो मुझे जल्दी से भाई सबसे पहले यार अपने लिए थोड़ा बहुत सामान लेना पड़ेगा, मतलब चीज़ें वगैरह बनानी पड़ेंगी। ओके तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ थोड़े बहुत ये, और अभी तक फर्नेस बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ, तो एक फर्नेस बना लेता हूँ, और इसमें मेरे को भाई वो डालनी पड़ेगी वुड। ओ भाई यार सामने से वो लोग भी आ रहे हैं, तो एक काम करता हूँ ना मैं क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेता हूँ यहाँ से, और भाई मुझे अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि भाई मॉब्स आ रहे हैं, और मेरे को यहाँ से ना बंद करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, बस थोड़े टाइम के लिए ऐसे टेम्परेरी मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ताकि भाई मॉब्स आके मेरी जान ना ले लें। ओके तो एक खोलना पड़ेगा वरना भी बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, तो भाई जल्दी से मैं यार यहाँ पर अपने लिए चारकोल बना लेता हूँ वुड से। तो ये कैसे बनता था चारकोल, मैं भूल गया क्या? ओके इसी तरीके से बनता था, तो देखो लाइट की भी कमी नहीं है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से यहाँ पर ले लेता हूँ स्लैब भाई इसका। ओके तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, देखो चलो भाई हमें थोड़ा सा मतलब ये तो मिल गया, थोड़ा सेफ रहेंगे हम यहाँ पे। ओ भाई जल्दी से बन जा। ओके तो एक चारकोल बन गया यहाँ पे, और मैं क्राफ्टिंग टेबल वगैरह ना यहीं पे लगा देता हूँ भाई, और मेरे को अभी खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा। ओके तो क्राफ्टिंग टेबल में मैं अपने लिए टॉर्चेस बना लूँ थोड़ी बहुत, तो मैं एक यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा। ओके थोड़ी बहुत मैं बाहर भी लगाऊंगा, तो मैं बाद में लगा दूंगा वो, अभी के लिए मैं ऐसे लगा देता हूँ। ओके तो तीन बन गए हैं भाई, जल्दी से मैं अपने लिए खाना कुक कर लूँ क्योंकि भाई सही में बहुत कमी पड़ गई है। ओके तो मैं क्या करूँ, रॉ मटन बना लेता हूँ जल्दी से। ओके तो एक आ गया, हम जल्दी से खा लेते हैं। ओके जब तक ये खाना बन रहा है तब तक मैं अपना अंदर वाला बेस है इसको एक्सपेंड कर लूँ भाई, क्योंकि काफ़ी छोटा यार अभी सर्वाइव करने के लिए, तो इसको जल्दी से मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। और भाई मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हूँ भाई, मैं स्टोन वाली पिकैक्स बना लेता ना जल्दी से। हाँ मैं तब से वुडन वाली से तोड़ रहा हूँ यार इसको, बताओ। ओके ओके गाइस तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा इस डिज़ाइन से बेस बना रहा हूँ, मतलब देखते हैं भाई कैसा निकल के आता है बेस, तब तक मैं पूरा यहाँ से डिग कर लेता हूँ अच्छी तरह। ओके तो अभी के लिए देखो मतलब ठीक ही है, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, तो देखते हैं भाई खाना कितना बन गया। ओके इतना बन चुका है खाना, तो मैं जल्दी से इसको ले लूँ और खा लेता हूँ भाई जल्दी से अब। ओके तो हमारा हंगर वार पूरा फुल हो गया, और भाई एक बार मैं बाहर जाके देखता हूँ, मतलब बाहर ऐसे देखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है। ओके तो मुझे लगता है कि अभी बाहर कोई मॉब्स वगैरह होंगे क्या? ओके भाई मॉब्स वगैरह तो कोई दिख नहीं रहे हैं, तो मैं जल्दी से ना तब तक मतलब थोड़े बहुत ऐसे फेंसेस वगैरह लगा लूँ यहाँ पर इस तरीके से, यार कोई पीछे से क्रीपर वगैरह ना आ जाए और मेरे को फोड़ के चला जाएगा। वरना यार मैं एक और काम भी तो कर सकता हूँ, अब तो मैं अंदर आ चुका हूँ ना, तो तब तक मैं अपने लिए गेट बना लूँ एक, क्योंकि भाई गेट भी ज़रूरी है। ओके तो इस तरीके का मैं गेट बना लेता हूँ। ओके बहुत बढ़िया, तो भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से मैं सीधा गेट लगा दूंगा, मेरे को तोड़ना नहीं पड़ेगा बार बार। एक गेट हो गया हमारा यहाँ पे। ओ मैंने उल्टा लगा दिया क्या इस तरीके से, एक अलग अलग खुल रहे हैं क्या? हाँ अरे यार ये तो अलग अलग लग गए, मेरे को सही से लगाना पड़ेगा इसको। ओ नहीं 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 अरे भाई मेरे को आवाज़ आ ही गई थी यार सही में, ये क्रीपर को भी अभी फटना था। चलो कोई नहीं, इतना कोई नुकसान नहीं किया इसने, मैं जल्दी से यार यहाँ पे लगा लेता हूँ। ओ भाई मेरे को लग ही रहा था ये पीछे से आ जाएगा कभी ना कभी तो। ओके तो यार मैं जल्दी से गेट है ना तोड़ लेता हूँ इसको। ओके तो अब लग रहा है मेरे को सही हो गया गेट। ओके देखो अब कितना सही लग रहा है ना गेट, तो मेरे को टॉर्चेस वगैरह लगानी चाहिए क्या? ओके भाई वैसे लाइट आ कहाँ से रही है यार, मेरे अंदर से आ रही है क्या गेट से? ओके कोई बात नहीं, मैं तब तक यहाँ पर टॉर्चेस लगा लेता हूँ भाई ताकि अच्छा लगे। एक काम करता हूँ टॉर्चेस को ना भी इसी तरीके से लगा लेता हूँ, बाद में कभी देख लेंगे जब इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके तब तक मैं अपनी जो फेंसेज है ना इसको यहाँ तक बढ़ा लेता हूँ। ओके तो भाई आज के लिए मेरे को लग रहा है इतना काफ़ी। एक तो मेरा क्रीपर ने भाई पूरा का पूरा बेस उड़ा दिया, मतलब बेस तो था नहीं मेरा अभी तक यहाँ पे, पर चलो कोई नहीं फ्री के ब्लॉक्स मिल गए मेरे को, तो चलो भाई अपने घर के अंदर चलते हैं। और भाई तब तक के लिए मतलब हमें वहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक भाई सुबह ना हो जाए। और भाई मैं देखना ही भूल गया यार यहाँ पर तो कोल भी निकल गया, तो चलो कोल भी मैं जल्दी से माइन कर लूँ। ओ भाई यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा कोल है, सही में बहुत ही ज़्यादा कोल है, तो मैं टॉर्च लगा दूँ यहाँ पे। ओके तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यार यहाँ पर हमें कोल ही मिल गया,
तो हमें खाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना तो मतलब मैं उनको मार के ले ही सकता हूँ आराम से। और यहाँ पर देख सकते हैं हमें कितना सारा कोल मिल चुका है। ओके तो यहाँ से चलो अब बाहर निकलते हैं, और तब तक के लिए भाई इस जगह को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और भाई प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई मतलब आपको सीरीज पसंद आ रही है। वैसे तो इसका सिर्फ ये फर्स्ट एपिसोड था, तो अभी तो आप कुछ इतना सजेशन दे नहीं सकते। वैसे मैं आपसे सजेशन लेता रहूँगा कि भाई मेरे को और क्या क्या करना चाहिए इस सीरीज़ में। और भाई आप मेरे को जरूर बताना कि भाई आपको मेरा हाउस का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। कई लोग बोलेंगे कि इतना अच्छा भी नहीं है, पर फिर भी यार मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और भाई सही में यार आपको अगर ये सीड चाहिए ना, प्लीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो भाई ज़रूर से चेकआउट करना। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीड है यार, मतलब मैंने रैंडमली कोई ऐसी वर्ल्ड जनरेट की और भाई इतना ज़्यादा अमेजिंग सीड मिल गया, क्योंकि हमें स्पॉन के साइड में एक विलेज मिल चुका है, हमें एक रवीन भी मिल चुकी है, और देखो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे बेस भी बनाया, तो कभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जब मतलब सुबह हो जाएगी तब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से भाई, और भाई आगे जितना भी काम है वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब एपिसोड 2 में। और भाई जो लोग फिर से इंतजार करें प्रोजेक्ट टेरिस कब आएगा, तो भाई प्लीज़ यार मुझसे मत पूछा, आज मैंने ओनर से बात की जो स्पूकी रेन है, तो कह रहा है कि भाई उसके घर में मतलब एक स्टॉर्म आ रखा है, ऐसे रेन स्टॉर्म होता है ना, तो उसकी वजह से उसके घर में लाइट तक नहीं है, तो इसलिए वो उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। मतलब थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो अब पता नहीं भाई झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इसमें तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो सच था मैंने आपको बता दिया, जो मेरी उससे बात हुई थी। ठीक है, इस तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।